स्वागत है रविचंद्रन। कैसे हैं आप? आज इस सवाल के सृजन से आपको बताया जाए कि किसी किसी मन की बड़ी ठंडी बैटरी होती है और इतनी ठंडी होती है उनके पुरुष हमसे कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं व्हाट्सएप, गुरुदेव हमारी पत्नी की ठंडी बैटरी है, इसको उठाया कैसे जाए, इसको गर्म कैसे किया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा प्रैक्टिकल एक अनुभूत एक्सपीरियंस से भरा हुआ एक ऐसी जड़ी बूटी और पेय पदार्थ बताऊंगा, तरल पदार्थ के रूप में है, जिसका सेवन अगर औरत को करा दिया जाए तो कितना भी पुराना उसकी ठंडी बैटरी हो वो गर्म पर हो जाती है। बहुत सी महिलाएं सेक्स, ठंडी बैटरी का अर्थ यहाँ पर है, बहुत सी महिलाएं सेक्स के लिए उत्सुक नहीं होती है। उसके कई कारण हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है या बहुत ज़्यादा एकदम सूखी साखी होती है, माने हमसे भी ज़्यादा सूखी साखी, उनके गालों में गड्ढा पड़े हुए होते हैं, उनकी आँखों की चमक छीण हो गई होती है, उनके नाखूनों का रंग पीला हो चुका होता है। ये मैं पहचान बता रहा हूँ ठंडी बैटरी की औरतों की। और किसी के लिए बहुत ज़्यादा लिकोरिया की पर्दर की शिकायत होती है, किसी को कुछ जेनेटिक होती है कि उनके माँ बाप की बैटरी ठंडी रही तो वो भी ठंडी पड़ गई। तो कई कारण होते हैं, कुछ लोगों के अंदर सदमा बैठा हुआ होता है साइकोलॉजिकल, कोई मानसिक पीड़ा में चल रही होती है तो भी उनकी बैटरी ठंडी हो जाती है, सेक्स के प्रति उनकी उत्सुकता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है या डाउन हो जाती है। तो उसको क्या करें? सबसे पहले तो एक चूर्ण है जो कि पुरुषों को हम बनवाते हैं, तूफ़ानी चूर्ण, तूफ़ानी अल्ट्रा और सुपर तूफ़ानी, ये पुरुषों के लिए। तो इसी में एक चौथा किसी की फरमाइश पे हमने इसमें से ली, औरतों के लिए अलग से बनवाया था, उसका नाम था रंभा तूफ़ानी चूर्ण। हालांकि ये चूर्ण थोड़े कॉस्टली हैं इसलिए सबके लिए वो उपयोगी है, तो सबके लिए उपयोगी, किंतु हिम्मत सबकी नहीं पड़ती है, है ना, कोई नहीं कोई नहीं। तो मैं फ्री वाला नुस्खा बताए दे रहा हूँ। आपने देखा होगा हमारी वीडियोस में लघु तूफानी तेल और तूफानी तेल नाम की वीडियो है, उनको आप ले लेना, उसमें से देख लेना, दवाइयाँ नोट कर लेना, चाहे तो आप व्हाट्सएप पे आप हमसे संपर्क करना, मैं आपको वो लिंक दे दूँगा, वो आसान हो जाएगा, ठीक है, वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जो तूफ़ानी या लघु तूफ़ानी तेल में कम कंपोनेंट है, कम दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, और जो तूफ़ानी तेल है उसमें ज़्यादा दवाइयाँ हैं। तो जैसी आपकी सुविधा हो, जो चीज़ें अवेलेबल हो जाएं वो ले लेना। और फिर होगा क्या, फिर आपके लिए करना क्या है, उस तेल के, अब जाड़ा शुरू हो रहा है, उस तेल की 2 से 4 बूंदें औरत रोज़ 1 गिलास मीठे दूध में डाल करके पिए, सुबह नाश्ता के बाद में, रात्रि में सोने से पहले, फिर देखो चमत्कार। इससे कई फायदे होंगे, एक तो औरत को ठंड कम लगेगी और मोटापा भी कम होगा और सेक्स की इच्छा भी बढ़ने लगेगी। अब बोल कितनी देर टिक पाएगी ये गारंटी मेरे पास में नहीं है, लेकिन वो गर्म पड़ जाएगी उसकी बैटरी, हो सकता है, क्योंकि मैंने कई लोगों की शिकायत सुनी है कि औरत राजी नहीं होती है कुछ करने के लिए, तो वो लोग फिर बाहर जाके सेक्स करते हैं, उससे बदनामी होती है, पैसा भी बर्बाद होता है, इज्जत भी बर्बाद होती है, सब कुछ। तो अपनी औरत की बैटरी को मेंटेन कर लो बेटा, उसी से अपने सेक्स के पंखा चलाओ, हवा लीजिए, आनंद लीजिए, एंजॉय करिए, क्योंकि संभोग ही संसार का सबसे बड़ा सुख है, सांसारिक जीवन का, भौतिक जीवन का। इस वीडियो को जनहित में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बहुत सारी औरतें जो हैं ठंडी पड़ चुकी हैं, बच्चे पैदा होने के कारण भी औरतें ठंडी पड़ जाती हैं, है ना, कई कारण हैं इसके।
तो एंजॉय करिए, आनंद लीजिए, क्योंकि सभी तो समाधि में नहीं जाना चाहेंगे। संभोग से समाधि की ओर जाया जाता है, तो पहले संभोग से अपनी तृप्ति कर लो, उसके बाद में फिर समाधि की शांति की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, गुरुद्वारे की बात करना। ठीक है, ओम शांति ओम क्रांति। वीडियो को जनहित में अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हम आपके लिए इस बात के लिए कन्विंस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगर आपको लगता है इस गुरु की वीडियो उपयोगी है और काम की है, तो निश्चित रूप से आपको जुड़ना चाहिए, नहीं तो ऐसे एंजॉय करिए। ओम शांति ओम क्रांति।